बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं जिंगर बर्गर। जिंगर बर्गर के लिए हमें चाहिए है चिकन। मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन ली है, उसको मैंने 1.5 कप विनेगर और 2 कप पानी में 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था। अब ये 2 से 3 घंटे के बाद हम इसको निकालेंगे। विनेगर और पानी में से निकालने के बाद हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए जो मसाले की हमें ज़रूरत है मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ एक बाउल में मैंने 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर डाला है और 1 टेबल स्पून जिंजर पाउडर। लहसुन और अदरक का पाउडर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें पिसी हुई। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 टी स्पून मस्टर्ड पाउडर और 1 टी स्पून सॉल्ट, नमक। वन टीस्पून मैं इसके अंदर काली मिर्ची डाल रही हूँ, ब्लैक पेपर, और 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं डालूँगी वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्ची। इधर एक बाउल में मैंने एक अंडा लिया है, इसको हम फेंट लेंगे, ये हमें कोटिंग के लिए काम आएगा। एक बाउल में मैंने लिया है 1/2 किलो मैदा 250 ग्राम और इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्ची, रेड चिल्ली पाउडर। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट। अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। जो हमने ये मसाले बनाए हैं इनको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर अपनी चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। इस तरह हम विनेगर के पानी में से हम चिकन को निकाल कर और इस मसाले में लगाएंगे और तकरीबन 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट करके मसाले में से रख देंगे। 1/2 घंटे के बाद हम ये जो मैदे में हमने ये मसाले मिलाए हैं इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, और 1/2 घंटे के बाद इसमें चिकन पर कोटिंग करेंगे। अब सबसे पहले हम अपनी मैरिनेट की हुई चिकन को मैदे की कोट देंगे। फर्स्ट कोट हम अपनी मैदे की कोट देंगे। मैदा अच्छी तरह कोट कर लें, इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ इस तरीके से, बिल्कुल इस तरह हम मैदे की बिल्कुल अच्छी तरह इसको कोट देने के बाद हम इसको अंडे में डिप करेंगे। देखें इस तरह हो जाए तो फिर हम इसको इस तरह सिर्फ अंडे में डिप करेंगे। और फिर ये हम मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स, तकरीबन 1/2 किलो ब्रेड क्रम्स हैं, तो इसमें हम ब्रेड क्रम की कोटिंग देंगे। थर्ड हमारी ब्रेड क्रम की कोटिंग होगी, फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखें हम अपने चिकन को इस तरह डीप फ्राई कर लेंगे। ये बिल्कुल जब फ्राई हो जाएगी तो हम फिर अपने ये जिंगर रेडी हो जाएंगे हमारे, फिर हम अपने जिंगर बनाएंगे। ये देखें हमारी चिकन बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमने ये नॉर्मली जो बर्गर बन होता है वो यूज़ किया है, उस पर मैं केचप लगा रही हूँ। इस तरह से मैंने केचप लगाया है।
केचप लगाने के बाद ये मैं जिंगर का पीस रख रही हूँ। इस पर मैं ये कोल्सलो ऐड कर रही हूँ, आपकी अपनी चॉइस, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते। मैं इसमें कोल्सलो डाल रही हूँ और फिर हमारा ये बिल्कुल जिंगर रेडी है, यमी सा जिंगर बर्गर। आप लोग भी ट्राई करें मेरे जिंगर बर्गर की रेसिपी और मुझे बताएं कि कैसी बनी। बहुत मज़ेदार सा टेस्ट है इसका, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।